अस्सलाम वालेकुम यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे। सुबह हो चुकी थी मेरी और माशाल्लाह से बहुत खूबसूरत सी सुबह है। कराची का मौसम बहुत अच्छा बना हुआ है और ये है मेरी स्लिम टी जिसका स्पून मेरा अभी तक हटाया भी नहीं है, तो मैं इसको हटाती हूँ इसका स्पून और फिर इसको इंजॉय करती हूँ। इसकी रेसिपी मैं आपके साथ वीडियो में शेयर कर दूँगी। अब बाहर के नज़ारे देखते हैं और इस स्लिम टी को पीते हैं और इसकी रेसिपी आपको मेरी वीडियो में मिल जाएगी। इसको लाजमी ट्राई करना है। इससे मुझे बहुत अच्छा रिज़ल्ट मिला है। तकरीबन मैं ये 2 हफ्ते से यूज़ कर रही हूँ और मेरा अल्हम्दुलिल्लाह 2 kg कम हो चुका है। तो आप लोगों को बताने का मकसद ये था कि ये मैं यूज़ कर चुकी हूँ, अपने पे ख़ुद इस्तेमाल कर चुकी हूँ, तो आप भी ट्राई करें और आप भी इसका अपने आप को अगर स्लिम करना चाहते हैं तो इसका लाजमी ट्राई कीजिएगा। और उसके रिज़ल्ट अच्छे हैं क्योंकि मैंने इस्तेमाल किया है, और अगर आप भी इस्तेमाल करेंगे तो कमेंट्स बॉक्स में लाजमी इसके रिज़ल्ट आप भी मुझे बताएंगे। तो जी मैं अब करती हूँ ये टी जो कि स्लिम टी है, ये मैं पीती हूँ और फिर ये पीकर आप सबसे मुलाकात करती हूँ। बने रहिएगा वीडियो के साथ। स्लिम टी यूज़ की है मैंने, इसका अच्छा बहुत अच्छा रिज़ल्ट आया है जो कि मैं अपनी यूट्यूब फैमिली से भी शेयर कर रही हूँ। मेरे 2 हफ्ते में माशाल्लाह से 2 kg वज़न कम हुआ है, तो मैंने सोचा क्यों ना आप लोगों के साथ शेयर करूँ। तो मैंने सबसे पहले एक पतीली ली थी चाय की, उसके साथ मैंने 2 कप पानी वाटर लिया है। अब उसमें जो जो चीज़ें ऐड करनी है वो सब मैं आपको बताऊँगी, जिसमें मैंने लेमन लिया थे और मैंने ग्रीन टी ली थी और मैंने ली थी ज़ीरा लिया था, सौंफ ली थी और साथ ही मैंने दालचीनी का छोटा सा टुकड़ा लिया था। पानी को मैंने अच्छे से बॉयल होने दिया कि अच्छे से बॉयल होगा, फिर उसके बाद मैंने ये सब चीज़ें ऐड करनी थी, जैसे कि मैंने सबसे पहले लेमन ऐड किया था, फिर उसके बाद मैंने, और अगर आपके पास अदरक हो तो आप अदरक भी यूज़ कर सकते हैं जैसे कि मैं, मगर मैं अदरक यूज़ नहीं कर रही थी। और सौंफ आपके नहीं होगा कि ये सब चीज़ों को गर्मी महसूस नहीं होने देगी, आपके मैदे पे गर्मी नहीं होगी ना आपके फेस पे पिंपल्स वगैरह निकलेंगे, तो सौंफ के ये फ़ायदे होते हैं। मैंने कंप्लीट ये सब चीज़ें डाल दी थी। अब ये जब 2 कप मैंने लिया था पानी, अब ये 1 कप रहेगा, तो फिर मैं इसको निकाल लूँगी और इसको छान लूँगी और फिर ये मैं पीऊँगी। तो ये बहुत अच्छा कावा है, आप लोग ट्राई कर सकती हैं। जो अपना वेट लूज़ करना चाहती हैं मेरी बहनें, वो ये कावा यूज़ कर सकती हैं बना के। रोज़ाना सुबह के टाइम आप पी लें, अगर चाहती हैं सुबह में आपको टाइम नहीं मिलता तो आप रात को पीकर सो जाएं, बहुत अच्छा रिज़ल्ट आएगा। और हल्का फुल्का अपनी डाइट का ख्याल रखें खाने की, जितना अगर आप 2 रोटी खाती हैं तो 1 रोटी खाएँ, अगर आप 3 रोटियां खाती हैं तो 1.5 खाएं, तो 3 तो शायद कोई नहीं खाता आजकल के दौर में। तो बस इस चीज़ का ख्याल रखें, बहुत जल्दी आपका वेट लूज़ होगा इंशाल्लाह ताला, और ये 1 महीने तक करके देखें, इंशाल्लाह आपका वेट काफ़ी हद तक 5 kg तक तो इंशाल्लाह लाजमी कम हो जाएगा। और थोड़ी बहुत वॉक आप करती रहें, घर के काम वगैरह, जैसे कि हम लोग को जो कि करने ही होते हैं, घर के काम वगैरह तो चलते ही रहते हैं। बस ये मेरा मज़ेदार सा कावा तैयार हो चुका था, इसमें मैंने सिर्फ शहद ऐड करना था जो कि 1 टेबल स्पून मैंने रख लिया था। ये शहद की बोतल भी ख़त्म हो गई है, अब इसको दोबारा फिर लेनी होगी, जाना होगा बाज़ार तो फिर लेकर आऊँगी। कराची में मुझे समझ नहीं आता कि कौन से ब्रांड का लिया जाए और कहाँ से ये अच्छा सा, अच्छा और नेचुरल आपको मिल जाएगा शहद, तो हर जगह तो फेक ही आ रहे होते हैं, थोड़े दिनों में जम जाते हैं। मैंने जब भी ये लिए हैं तो मैंने पंजाब से मंगवाया था तो काफ़ी अच्छा था। अब मैंने इसको निकाल लिया, अब मैं ये इंजॉय करूँगी और आपको बताने के लिए इसलिए बताया था कि आप लोग भी इस वीडियो को देखें और आप भी इस तरीके कावे को इस्तेमाल करें, अपना वेट अगर ज़्यादा है तो कम करें। और आपको बताने का मकसद भी मेरा आज यही था कि मैं अपने यूट्यूब फैमिली से शेयर करूं जी कि अब मेरे शहद की बोतल भी ख़त्म हो गई है, ये भी लेकर आनी है, और ऊपर से अब इस पर भी प्राइस बढ़े हुए होंगे, अब मैं जाऊँगी ना इस पर भी प्राइस बढ़े हुए होंगे। जब भी बाज़ार जाओ हर चीज़ पे प्राइस बढ़े हुए होते हैं, कभी प्राइस कम नहीं होते, शॉप वालों के पास जब भी जाओ प्राइस बढ़े होते हैं। तो जब बस मैंने 1 टेबल स्पून इसमें इस्तेमाल किया है, इसको अच्छे से मैंने मिक्स कर लिया था और फिर मैं इसको पीऊँगी। नॉर्मल नीम गरम सा पिएगा, ये नहीं कि आप बहुत ज़्यादा गरम गरम पी लें,
नॉर्मल नीम गरम सा। तो जी आज की अगर ये A few moments later. मैं एप्पल जूस बना रही थी और ये एप्पल शेक तैयार हो चुका था बनके, और ये मैंने अम्मी जी के लिए बनाया था और बाजी के लिए बनाया था। अम्मी को देना था और बाजी के लिए। तो जी अम्मी दवाइयाँ खा रही हैं, तो कुछ ऐसा होना चाहिए कि उनको इतना नुकसान ना दे। रात के टाइम कभी अक्सर उनको दूध वाला, हल्दी वाला दूध भी देते हैं कि जो तकलीफ़ उनकी हो रही है, उनको जो जिस्म में दर्द हो रहा है, और उससे काफ़ी फ़ायदा होता है। मैंने हल्दी के बहुत ज़्यादा फ़वाद सुने हैं, और मुझे अक्सर आंटी आती हैं अम्मी से मिलने के लिए, वो भी ये कहती हैं कि आप हल्दी वाला दूध दें। तो बस ये अम्मी को मैंने दिया था, और ये बाजी के लिए था एक, और बाजी घर के काम वगैरह कर रही थी, और बस ये कई काम होते हैं, रोज़ के रूटीन होती है बस। आज मेरा दिल था खिचड़ी बनाने का, मैंने कहा चले मैं दोपहर में खिचड़ी बना लेती हूँ, उसके साथ बना लूँगी टमाटर की चटनी। तो आज मैंने बस जल्दी से मैंने कहा मैं दोपहर का टाइम हो रहा है, रात अच्छा हमने बनाए थे आलू गोश्त, जो कि आलू गोश्त मैंने कहा चले दोपहर में अम्मी के लिए रोटी चूर के वो खा लेंगी ठीक से, और बाजी और अपने लिए मैं खिचड़ी बना लेती हूँ, अम्मी भी खा लेंगी। तो थोड़ी बहुत सी खिचड़ी बना ली थी, और खिचड़ी की रेसिपी मैं फिर कभी, अगर आप कहेंगे, अगर आप कमेंट्स वगैरह में पूछेंगे तो मैं बता दूंगी। साथ साथ पानी बॉयल हो रहा था, सलार को निलाना था, सलार को बस मैंने कहा सबसे पहले मैं खाना बनाती हूँ, खिचड़ी दम पे रख के फिर सलार को निला दूंगी, और साथ साथ मैंने ये दम पे रख दी थी। बस ये मेरी खिचड़ी तैयार थी, साथ ही मैंने टमाटर की चटनी बना ली थी, जो कि मैं सिल पे बनाई थी, और आपको पता है सिल पे कितनी मेहनत होती है चटनी पीसने की, और बस ये शुक्र है मैंने बना ली थी आज। तो ये मेरा खाना दोपहर का तैयार हो चुका था, उससे पहले मैं दोपहर में सलार को निला चुकी थी, उसको चेंज करा दिया था, फिर मैंने अम्मी को खाना दे दिया था, अम्मी जी ने भी माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह खा लिया था, फिर मैंने सलार को निला दिया था। चाय मेरी तैयार हो रही है, और वहाँ पे बच्चे आए हुए पढ़ने के लिए, बच्चे पढ़ने के लिए आए हुए, और ये बाजी पढ़ा रही हैं बच्चों को, और जल्दी से बस ये चाय रेडी हो जाए, चाय निकालती हूँ फिर आप लोगों से मिलती हूँ आके, शाम देखती हूँ शाम मौसम भी क्या हो रहा है। और मैं सो गई थी दोपहर में, बस लंच किया मैंने, नमाज़ पढ़ी और फिर मैं सो गई थी, फिर अभी थोड़ी देर पहले उठी हूँ, अभी मैंने फेस वॉश भी नहीं किया है। चलो भाई उठ जाओ चाय पी लो। सलार आपने पीनी है, आपने प्रजदू पी लिया, बच्चों पढ़ाई हो रही है तुम लोग के, ठीक उसको देखो मौलवी कैसे बैठा है देखता कैसे रहा है ये गुस्से। सलार चाय मैंने पी ली थी, अब चाय मैंने बना के चाय मैंने पी ली थी, फिनिश कर ली थी चाय, और आज की वीडियो यहीं तक थी। अगर अच्छी लगे तो लाइक शेयर कमेंट और सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा, और नए ब्लॉग जो नए जो चैनल मैंने बनाए हैं वहाँ पे आपको मेकअप के हवाले से, मेकअप टिप्स के हवाले से आप लोगों को कम्प्लीट डिटेल मिलती रहेगी, और आप लोग मुझे बताइएगा कि वहीं पर मैं अपडेट करूँ आप लोग को मेकअप के बारे में, वहाँ पर उस चैनल पर बताऊँ या फिर इसी चैनल पे बताऊँ आपको। तो लाजमी आपने कमेंट्स बॉक्स में मुझे लाजमी बताना है कि मुझे उस अपने नए चैनल पे वो वीडियो अपलोड्स करनी चाहिए या फिर अपने इसी चैनल पे वीडियो अपलोड करनी चाहिए, तो मुझे कमेंट्स बॉक्स में लाजमी बताएगा। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा, इंशाल्लाह फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट व्लॉग में आप सबसे होगी मुलाकात। मुझे दी इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।